Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my channel. I am Husna. Of course, you subscribe my channel first and click the bell button. So मैं नए नए जो खाना बनाऊंगी, नए नए वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. So आप सोच रहे होंगे मैं ये मसाला क्यों दिखा रही हूँ. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आज की रेसिपी के लिए, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ. ये मेरे पास एक काली कप है और एक रेड चिल्ली है और बे लीव्स है 4. थोड़ा सा मैंने लिया काली मिर्ची, थोड़ी सी लिया कुरियंडर सीड और गार्लिक. मैंने ये इसलिए लिया. यू गाइस फीलिंग ईट द केफसी? सो आई फील टूडे आई ईट द केफसी. सो गोइंग आउट? नो वे, वी आर नॉट गोइंग आउट फॉर केफसी बिकॉज आई एम मेकिंग टूडे होम मेड क्रंची यामी केफसी. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी टू मेक. सो आइए आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. मैंने लिया एक होल चिकन 1 kg का. उसको मैंने आधा कप शुगर, आधा कप से कम मैंने लिया सॉल्ट और आधा कप मैंने लिया हाफ कप और मैंने लिया एप्पल साइडर विनेगर. वो पानी में दे के, ये सारी चीज़ें दे के मैंने 24 आवर्स के लिए मेरी चिकन को मैंने सोक करके रखा. सो ये गई. अभी मैंने इसका बटर बनाने लगी हूँ. इसमें मैं डालूंगी बटर. जो मेरी ये जो आप देख रही है ऑलवेज फ्लावर है, मैदा डाला मैंने. तो उसमें जाएंगे ये, मैंने पहला बटर डाल दिया 2 चम्मच तकरीबन, टेबल 2 स्पून. और ये खाली मैदा है, मैदे में मैंने हाफ बोल से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हॉट सॉस मिलाया है और मैंने उसमें मिलाया 2 चम्मच बटर. तो ये हमारे बटर रेडी हो गई है, इसको हम साइड में कर देते हैं. हमारे दूसरी बैटर नहीं बनानी है, हम लोग सारी चीज़ें मिक्स करके बस ऐसे ड्राई रखनी है. ये हमने लिया मैदा, 2 कप मैदा मैंने लिया. ये लिया कॉर्नफ्लावर, ये इसमें जाएंगे कॉर्न एस्टर्स. ये भी हमने इसमें मिक्स किया. थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी नमक डालूंगी इसमें से, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमने अपनी चिकन जो सोक किया है उसमें बहुत सारे नमक हमने डाला है ऑलरेडी. तो हॉट सॉस में भी थोड़े से नमक होते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक दीजिएगा. और ये 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और सारे इसमें डाल दिए हमने. अभी इसको करेंगे मिक्स. अभी देखिए हमारी चिकन जो है, मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें सोक करके रखे थे. तो हमने क्या करना है, इसमें से लेके चिकन को इसमें डीप करके फिर इसमें करेंगे और इसमें लास्ट ये इसमें करके फिर हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी केफसी जो है क्रंची होने के लिए और खूबसूरत गोल्डन कलर होने के लिए. तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाई वो सारे चीज़ डाल के उसमें विथ वाटर आपने चिकन सोक करके रखनी है. कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं होते हैं तो आप उसमें 4-5 घंटा भी रख सकते हो, लेकिन 24 आवर्स के लिए रखना है तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे टेक्सचर उसमें आते हैं. तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ. जो हमने सारी चीज़ें रेडी किए थे वो आप लोगों को मैंने पहले दिखा दिया और मैंने पानी से चिकन मैंने निकाल लिए हैं. इसको अभी इसमें मैं डिप करूँगी, फिर हमारे चिकन जाएंगे इसमें. फिर जाएंगे इसमें.
हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ओके एवरीवन, सी माय केएफसी इज रेडी। सो दिस इज होममेड केएफसी, और मैंने उसके साथ जल्दी से मैंने फ्रेंच फ्राइज लिया, और मैंने हॉट सॉस लिया, टमाटर केचप लिया, और आप देखिए हमारी केएफसी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और खाने में भी उतनी मज़ा है। एंजॉय कीजिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, तो घर पे ज़रूर बनाएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, और हम बड़े भी कभी कभी खा लेते हैं। तो कोई आपकी दोस्त है अगर जिम में नहीं गए हैं 2-3 दिन से, तो केएफसी ज़रूर बना के खिलेगा। नो गाइस, आई एम जस्ट किडिंग। सो अपनी फ्रेंड के साथ मत करिएगा, लेकिन खा सकते हैं क्योंकि होममेड केएफसी है, वेरी हेल्दी। और मेरे पास केएफसी वाला बास्केट नहीं थी, तो मैंने इसमें डाल दिया, ये मेरे बास्केट। और हमने केएफसी की फीलिंग देने के लिए उसमें हम बन भी रख दिए हैं, देखिए आप। अफकोर्स बन मैंने नहीं बनाई है, बाहर से मंगाई है, और ये मैंने घर पर बनाई है। सो एंजॉय योर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरीवन, वी लव यू, लव यू।